वेक्टर में बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया था। इधर गोपेन सर आपको बेसिक मैथमेटिक्स कुछ क्लासेस लिए हैं, तो उसको सीरियसली करिएगा, वो सब यूज करेंगे हम लोग। और डॉट प्रोडक्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि वो लास्ट था तो लास्ट में थोड़ा जल्दी रहता है, मैं एंगल देना भूल गया था, है ना। तो बिना एंगल का वो जो वैल्यू कहे थे निकालने के लिए, वो नहीं निकलेगा। तो आप एंगल दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री लेके उसको कर डालना, 60 डिग्री लेके कर डालना, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, है ना। अब आपको समझाए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड क्यों किए थे, है ना। उसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझाए थे, उसमें मतलब आया था कि जब भी कोई एक वेक्टर हो और दूसरे वेक्टर का उसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई करके कोई फिजिकल क्वांटिटी आता हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए कोई वेक्टर ए है और दूसरे वेक्टर का उसके अलॉन्ग ए के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ले लो, दोनों का प्रोडक्ट ले लो अलजेब्रिक, उससे यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी बनता है तो उस क्वांटिटी को निकालने के लिए आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो। तो ए क्रॉस बी है ना, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड करते हैं, देन दैट इज ऑलवेज अ वेक्टर, हेंस इज अनदर नेम इज वेक्टर प्रोडक्ट, अनदर नेम इज वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक मेरे बच्चे। सो इट इज आइदर द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट। अब है क्या कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ वेक्टर सी, ए क्रॉस बी जो है हमेशा एक वेक्टर सी होता है, और खुद से भी तुमको पढ़ना चाहिए टेक्स्ट बुक से। और वेक्टर सी की बड़ी खास बात, ये जो वेक्टर सी होगा वो वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर होगा, बी पे परपेंडिकुलर होगा। तो ए और बी यदि दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कोई भी प्लेन जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन करेगा उस पे क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी समझा देंगे। तो लिखो वेक्टर सी सच दैट, वेक्टर सी सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, एज वेल एज वेक्टर बी। सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, हेंस इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी, कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करेगा। तो जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करेगा उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी। तो सी परपेंडिकुलर है दोनों के, ए के भी और बी के भी। तो सपोज करो कि ऐसे सपोज करो ए है और ऐसे बी है, ठीक है। तो अभी केवल प्लेन ऐसे दिखाते हैं, और ये एक प्लेन है। तब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करोगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यदि करते हो तो जो वेक्टर मिलेगा, ये जो आपका प्लेन दिख रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे बाहर होगा कि अंदर होगा वो आपको सिखाया जाएगा, उसकी जब जरूरत होगी तो बताया समझाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप समझो कि वो हम समझ के ही कह रहे हैं कि बाहर होगा, ठीक है। अभी उसकी चिंता मत करो, केवल तुम ये वो समझो कि या तो बाहर है या तो अंदर है।
तो ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा, तो उस तल के ही परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में कौन लाई करेगा बताओ, ए और बी। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इस प्लेन में कोई भी लाइन खींच दोगे जिसमें ए और बी है, कोई भी लाइन खींच दो, कोई भी वेक्टर खींच दो, सारे वेक्टर के ये क्या रहेगा, सी वाला परपेंडिकुलर होगा। तो सी क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, यस। इसके परपेंडिकुलर होगा, हां। इसके परपेंडिकुलर होगा, यस। तो होगा क्या, यदि कोई वेक्टर, कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन में जितने लाइन लाई करेगा सारे के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वेक्टर। तो सी जो होगा ए क्रॉस बी होगा, तो ए क्रॉस बी इज वेक्टर सी। सी हमेशा उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा, उस तल के ही परपेंडिकुलर होगा। अब ये बाहर होगा कि अंदर, इसकी अभी चिंता मत करो। बाहर होगा कि अंदर, इसका भी तरीका है, इसको अभी चिंता नहीं करना है कि बाहर होगा कि अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन में जब जरूरत होगा तो बताएंगे, काफी कुछ अभी भी हो जाएगा। तो यदि हम लोग, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। तो थोड़ा सा इसको लुक देने का प्रयास करें कि सपोज करो थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करें, तो मान लिया ऐसे ए है और ऐसे बी है, थोड़ा थ्री डायमेंशनल चाहते हैं, और ये कोई प्लेन है ऐसे, और ये प्लेन मान लो हॉरिजॉन्टल है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, वेक्टर सी जो होगा ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा बोलो 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां ए बी प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन लिए हैं ऐसे है? दिखाने, अब बोर्ड तो हमारा टू डायमेंशनल है ना, तो मजबूरी है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन लिए हैं, सी एक वर्टिकल लाइन है। अच्छा एक बात जानते हो, ए बी प्लेन में जितने लाइन खींचोगे, ऐसे कोई वेक्टर खींच दोगे, ऐसे खींच दोगे, कैसे जितने लाइन खींचोगे सबके सी क्या रहेगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखो कि वेक्टर सी हमेशा जिस प्लेन में ए और बी लाई करेगा उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव हमसे पूछें, आपसे पूछें, तो लिखिए, देखो, इफ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर सी, इफ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर सी, इफ ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर सी, देन वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, एक से ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन सही हो सकता है। सी परपेंडिकुलर है, पहला है चॉइस ए कैप के, दूसरा है बी वेक्टर के, थर्ड है ए प्लस बी के, फोर्थ है ए माइनस बी के, फिफ्थ है बी क्रॉस ए के, रोक के ऑप्शन में टिक लगा लो और उसके बाद हमारा डिस्कशन देखना। कहता एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो ये जो वेक्टर सी है जो ए क्रॉस बी है किसके किसके साथ परपेंडिकुलर होगा। आई होप आप टिक लगा लिए, अब सॉल्यूशन देख रहे हो, तो बताओ क्या ए कैप पे सी परपेंडिकुलर होगा, यस, बिकॉज ए कैप इज ए वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ए और बी पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, क्या बी पे परपेंडिकुलर होगा, यस yes। अच्छा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो याद रखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमेशा उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में ए और बी लाई किया, प्लेन तो ही रहेगा, दो वेक्टर को ऐड करोगे तो जिसमें ए और बी लाई कर रहा है उसी तल में होगा, उसी प्लेन में होगा, तो उस प्लेन में जितने वेक्टर्स लाई करेंगे सबके साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी होगा। ए माइनस बी उसी प्लेन में लाई करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ए क्रॉस बी यदि ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे होता है, मतलब
ए क्रॉस बी और इज ये बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ए क्रॉस बी यदि ऊपर है तो तुम्हारा बी क्रॉस ए सीधे नीचे होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बताओ, कैसे ये ऊपर हुआ कैसे ये नीचे हुआ ये अब अभी नहीं बताए आपको, कैसे ए क्रॉस बी ऊपर हो गया कैसे बी क्रॉस ए नीचे हो गया ये नहीं बताए अभी, ठीक है उसकी चिंता मत करो बात मान लोगे। लेकिन इतना निश्चित है कि ए क्रॉस बी यदि ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बताओ 180 डिग्री, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल बताओ 180 डिग्री, तो 90 तो होगा ही नहीं। इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कोई इक्वल करना चाहे तब एक माइनस डालना पड़ता है, तब एक माइनस डालना पड़ेगा तब दोनों आपस में इक्वल होंगे, तब दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब कैसे समझेंगे कि ए क्रॉस बी ऊपर है बी क्रॉस ए नीचे है यह अलग बात है, इसकी चिंता भी नहीं करनी। मिटा दें आप, पहले क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सीखेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सीखेंगे पहले, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो मॉड वैल्यू है उसको डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा बोलो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा किनके किनके बीच का एंगल है मेरे बच्चों, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। फिर से बताइए थीटा किसके बीच का एंगल है, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब क्या है कि जैसे यूनिट वेक्टर आप जानते हो आई क्रॉस जे का कोई मॉड लेगा तो कहेगा ए का मॉड तो आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, आई या जे के बीच में एंगल बताओ 90 तो साइन 90 कर देगा। अब सब 1 × 1 × 1 बोलो 1, ठीक। अब जे क्रॉस के का कोई मॉड लेगा, जे क्रॉस के का कोई मॉड लेगा तो जे का मॉड ये खुद ही समझ गए होगे, जे क्रॉस के का मॉड निकाल के देखो 1 आएगा, के क्रॉस आई का मॉड निकाल के देखो 1 आएगा, 90 डिग्री पे साइन 91 हो जाएगा। लेकिन कोई आपसे कहे कि आई क्रॉस आई निकालिए, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो आई क्रॉस आई जो ही निकालोगे तो एंगल होगा 0 डिग्री, साइन 0 बोलो 0। इसीलिए प्यारे बच्चों जे क्रॉस जे बोलो 0, के क्रॉस के बोलो 0, तो क्या देखते हो कि ये जो दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, कैसा यूनिट वेक्टर, दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। सारे यूनिट वेक्टर का नहीं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का मॉड, यूनिट वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उसका मॉड 1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि साइन 91 हो जाता है और यूनिट वेक्टर खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 नहीं होगा, तभी 1 होगा जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं तो 0 हो जाएगा। मिटा दें तो इसको ध्यान रखोगे। अब यदि वेक्टर फॉर्म में देखना चाहोगे तो इस तरह कुछ नियम है कि ऐसे ले लो आई जे
के ऐसे घुमा दो, घुमा दिए और यहां लिख दो पॉजिटिव, लिख दिए पॉजिटिव। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, चूंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो दो वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, दो वेक्टर का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वन आ जाएगा। जैसे आई क्रॉस जे का मॉड लोगे तो आई का मॉड वन, जे का मॉड वन, उनके बीच की एंगल 90 डिग्री। सो तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली यदि परपेंडिकुलर हैं तो किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड जरूर वन आएगा। अब होता क्या है कि जैसे x है, y है और z ऐसे है, दिखा नहीं रहा हूं, z ऐसे है, ऐसे z है, ऐसे z है, तो इधर इधर को कहेंगे i कैप, इधर भला है j कैप। तो जब भी i कैप क्रॉस j कैप करोगे तो क्या सोचते हो, यूनिट वेक्टर होगा? यस, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मॉड जो ही लोगे तो मॉड ऑफ i वन, मॉड ऑफ j वन, साइन 90 बोलो वन। तो ये तो पता चल गया कि i क्रॉस j हमेशा एक यूनिट वेक्टर ही होगा, वो ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, किसे परपेंडिकुलर? एक्स वाई प्लेन के यदि परपेंडिकुलर होगा तो वो जेड ही होगा। अब या तो प्लस जेड होगा या तो माइनस जेड, या तो प्लस होगा जेड ही ठीक है, वो प्लस जेड होगा या माइनस जेड होगा उसको देखेंगे। उसी तरह से यदि एक वेक्टर जेड में लें के कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लें या जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एक्स में ही जाएगा। तो चूंकि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों अलग के अलोंग यदि यूनिट वेक्टर है लोगे और किसी भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो तीसरे एक्सिस के अलोंग वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। अब यह अलग बात है कि पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी वन आएगा। तो प्लस होगा कि माइनस, उसको इस ऑर्डर से आप समझ सकते हो, इस ऑर्डर से। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हो और दो कंसेक्यूटिव यूनिट वेक्टर का, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, दो लगातार यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो तीसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा विथ पॉजिटिव साइन। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमोगे, मतलब यदि आई क्रॉस जे जा रहे हो तो आपको यह तीसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा विथ पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव साइन मिलेगा भाई? क्योंकि पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हो। पॉजिटिव सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया बोलो? के क्या। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करोगे तो दो लगातार यूनिट वेक्टर का करोगे तो तीसरा यूनिट वेक्टर मिलेगा विथ पॉजिटिव साइन। इसीलिए जे क्रॉस के बताओ, घबराओ मत, आई कुछ बात माननी होगी, के क्रॉस आई बताओ जे। तो इस सेंस में घूमोगे तो आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा। लेकिन उल्टा यदि घूम गए, जैसे के क्रॉस जे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज के बदला क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो के क्रॉस जे करोगे तो ये माइनस आई आएगा, और जे क्रॉस आई कर दोगे तब तो पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हो कि निगेटिव, ऐसे घूम रहे हो तो क्या आएगा बताओ? तीसरा मिलेगा माइनस के। तो तीनों एक्सिस चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों के लॉन्ग यदि यूनिट वेक्टर आई जे के है, किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो तीसरे यूनिट वेक्टर के या तो पैरेलल हो जाएगा या तो एंटी पैरेलल होगा ठीक है, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में। प्लस में कैसे आएगा? जब आई जे के को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे, आई जे तो के, जे के तो आई, के आई तो जे, और उल्टा घूमोगे क्लॉकवाइज तो निगेटिव साइन के साथ देगा, निगेटिव साइन के साथ देगा। अब यही इसी को लोग राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है ठीक है। सो डिफरेंट रूल्स हैं जिससे कि हम समझ पाए कि ये पॉजिटिव जेड में होगा कि निगेटिव जेड में ठीक है। इस बात को अभी सीखने का जरूरत नहीं है, जब इसका किसी चैप्टर में यूज होगा तो वहां पे हम आपको बताएंगे। आप केवल इतना ही मानकर चीजों को अभी मैथमेटिकली कर लीजिए।
इसको आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उस चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ते, नहीं तो लोग ऐसे सिखाते हैं कि पेन तो है नहीं तो ऐसे ले लो, है ना, कैप ले लो तो एक्स से वाई की तरफ कैप को ऐसे घुमाओ। ये कैप वाला तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे एक्स से वाई एक पेन ऐसे ले लो और एक्स से वाई की तरफ कैप को ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाओगे तो देखना कैप बाहर की तरफ जाएगा। तो एक्स से वाई की तरफ जब जा रहे हैं तो कैप जो है बाहर की तरफ जाएगा, इसका मतलब आई क्रॉस जे जो होगा प्लस के होगा, प्लस के होगा। और उसी कैप को ऐसे करोगे तो ये बंद होगा, बंद होगा मतलब वेक्टर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो उस डिटेलिंग में अभी हम नहीं जा रहे हैं कि कैसे स्क्रू रूल से समझ लेंगे, ठीक है, उस डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहे हैं, उसकी जब जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। वही चीज ये है, उसी रूल से ये निकाला गया है, उसी रूल से ये निकाला गया है, तो उसके लिए अभी परेशान मत होना तुम। अब देखो तो ये इसको मिटा दो बेटा, यस। अब ऐसे देखो कि सपोज करो ए इक्वल्स टू है अपना 2y प्लस 3j और बी इक्वल्स टू है 4i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक। और अपने को ए क्रॉस बी निकालना है, तो एक तो आपको हम मैथमेटिकल तरीका बताएंगे डिटरमिनेंट्स का, जो क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा यहां हम बता देंगे सबके लिए, तो सब बच्चे उसको करेंगे वैसे, लेकिन पहली बार वैसे नहीं कर रहे हैं अभी, पहली बार थोड़ा लंबे मेथड से। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो हम लोग पहले क्या करें कि यहां लिख लें आई जे के घुमा के एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। अब जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन करते हैं वही करो, इसको उठाओ और तीनों टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो जो ही आई क्रॉस आई करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ये बताओ पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्यों जीरो होता है? क्योंकि साइन थीटा आता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई बेचारा जीरो हो गया। इसको करेंगे तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे करोगे तो प्लस के मिलेगा कि माइनस के? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो आई क्रॉस जे में, तो क्या मिलेगा बोलो? बोलो आई क्रॉस जे करोगे तो ऐसे ना घूमे, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव? इस सेंस में घूमोगे तो पॉजिटिव के साथ मिलेगा, तो सिक्स आई क्रॉस जे इज प्लस के। फिर इसका इसके साथ करेंगे फोर तो होगा। अब आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करोगे तो क्या पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हो कि अपोजिट? ऐसे घूम रहे हो रे आई क्रॉस के, तो उल्टा घूम रहे हो ना, तो माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो इसको उठाए थे इसके साथ माइनस फोर जे, माइनस फोर जे, घबराइएगा मत। अब मेरे बच्चे इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, चिंता मत करो। इसको उठाओ और सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो अब होगा जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हो कि निगेटिव? जे क्रॉस आई निगेटिव सेंस में घूम रहे हो, तो 3 इंटू फोर होगा 12, तो माइनस 12 के। जे क्रॉस जे बोलो जीरो, जे क्रॉस जे बोलो जीरो। अब जे क्रॉस के बताओ, तो जे क्रॉस के करोगे तो पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हो, देखो जे के तो आई मिलेगा, तो सिक्स आई, ठीक। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, आई को पहले लिख लो, तो सिक्स आई माइनस फोर जे, इसको ऐड करो प्लस बोलो, माइनस सिक्स के। इस तरह से ए क्रॉस बी का मॉड आ गया, सॉरी ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। सुरक्षित हो? तो इस तरह से कर सकते हैं। अब एक चीज बता रहे हैं आपको, घबराना मत, सीख जाओगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मैथमेटिकली एक आसान तरीका होता है,
उसके लिए हमको सीखना पड़ता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स लिख लो, डिटर्मिनेंट्स। तो उस डिटर्मिनेंट्स में हम लोग ऐसे कुछ ऑपरेशन, एक डंडा रहता है, दो डंडा, और डंडे के बीच में ऐसे नंबर लिखा रहता है, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3, 6, 2, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। और दो डंडा रहेगा, ये चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको तीन का ही जरूरत पड़ता है। तो इस ये पूरा पूरा एक मैथमेटिक्स का यूनिट हो, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होगा क्लास ट्वेल्थ में, ठीक है। तो लेकिन हमें क्लास इलेवेंथ में जो यूज करना है, चाहे आपका मैथ हो चाहे आपका बायो हो, इसका ये हमें सीखना है। क्रॉस प्रोडक्ट इससे आसानी से आता है। तो शुरू में जब दो तीन क्वेश्चंस करेंगे तो कठिन लगेगा, है ना, और जो ही प्रैक्टिस हो जाएगा तुरंत ओरेली आ जाएगा, ठीक। तो ये कहलाता है रो, पंक्ति, और ये कहलाता है कॉलम। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज आर देयर। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम्स आर देयर। इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ये कैसे होता है, तो जो रोज का, जो इस पहले वाले रो का फर्स्ट मेंबर लो, 2 ले लिए, ठीक है। अब 2 लेने के बाद जिस रो में आपका ये नंबर है और जिस कॉलम में नंबर है उसको छोड़ दो, रिमेनिंग का एक डिटरमिनेंट्स ले लो। तो ये 2 लिए हो यहां, तो इस पंक्ति में जो है, इस रो में जो है उसको छोड़ दो। तो इस रो वाले को छोड़ दिए, इस कॉलम वाले को भी छोड़ दिए, तो बच गया ये इतना, इसको उतार दो, तो हो जाएगा 2,1 और 6,2। घबराना मत। तो पहला वाला प्लस लेंगे, दूसरा वाला लेंगे माइनस के साथ, तो माइनस, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता है। तो ये 3 उतार लो, ये 3 उतार लिए, फिर डंडा खींचो, डंडा खींच दिए सर, 2। जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको छोड़ दो, और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो बच जाएगा ये, 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 ये। तो जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिए, जिस रो में है उसको छोड़ दिए, तो यहां क्या उतार के लाएंगे भाई, ये आएगा 4, 1, 4, 1, और बताइए 3, 2, ऐसे हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको ले लो बेटा, तो ले लेते हैं सर, तो +4, डंडा खींच दो, खींच दिए सर, जिस रो में है उसको छोड़ दिए, जिस कॉलम है उसको छोड़ दिए, इतना आएगा। तो इसको लिख डालो, लिख लेते हैं सर, 4,2, 3,6, इसको लिख डाले। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। 2 × ये क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो 4 − 6, ऐसे क्या किए, रुको लिख दिए पहले से ना, चूंकि आता है तो वो लिखा गया। इस पर इसका क्रॉस, इस ऐसे जो डायगनल्स का प्रोडक्ट लो, डायगनल्स का प्रोडक्ट लो, तो इसका ऐसा प्रोडक्ट बताओ 4, तो ये पहले वाले मेंबर का डायगनल के साथ प्रोडक्ट लो, माइनस इसका प्रोडक्ट लो, तो 6, 1 का प्रोडक्ट बोलो 6 − 3, फिर इनका प्रोडक्ट और माइनस इनका प्रोडक्ट, तो 4 × 2 बोलो 8, माइनस इनका प्रोडक्ट करो 3, अब +4, इनका प्रोडक्ट बताओ, पहले इनका प्रोडक्ट लेंगे, अब माइनस इसका प्रोडक्ट, डायगनल का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 24, इनका प्रोडक्ट बताओ, इनका प्रोडक्ट बताओ 6, ऐसे डंडा। अब ये हो जाएगा −2, तो 2 × −2 बोलो −4, फोर में से −2 गया तो −2, और −2 × 2 बोलो −4, 8 में से 3 गया, है ना, तो ये हो गया 5, और -3 तो -15, 15 हो गया।
ये 18 है इंटू 4 72 इतना आ गया। अब इसको ऐड करने आता है तो होगा 72 माइनस 19 तो 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 1 गया 5 53 20 रहता तो 73 होता, 53 में 20 जोड़ेंगे तो 73 होता, तो 19 है तो 72 हुआ। ठीक है ये 53 आ गया भाई, आई बात समझ में? गुड। अब हम देते हैं तुम करो, एक दो जहां किए तो समझ जाओगे। सर ये क्यों कर रहे हो? इसी को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट तुरंत तुरंत निकाल लिया करेंगे, इसी को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट तुरंत तुरंत निकाल लिया करेंगे। पहला वाला मेथड जो है वो ठीक है, जो बताए थे घूम घूम के उसको करके उससे वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन ये इजियर होता है। अभी तेरे को तकलीफ हो रहा होगा, बस 2-3 करो तकलीफ दूर हो जाएगा। 6 2 3 4 1 2 3 2 1 ऐसे। अब इसको जरा वीडियो रोक के खुद इसको जरा सिंप्लीफाई करो, वीडियो रोक के इसको खुद सिंप्लीफाई करो बेटा, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, खुद से करो। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और खुद से सिंप्लीफाई कर डाले, तो जब खुद से सिंप्लीफाई किए तो 6 लोगे, अब ब्रैकेट में आएगा इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, अब उतना लिखेंगे नहीं, शॉर्टकट मारेंगे, तो इनका प्रोडक्ट 1 और माइनस 4। जिस रो में रहेगा उसको छोड़ दिए, उस कॉलम को छोड़ दिए, तो पहले इसका प्रोडक्ट पहले वाले मेंबर का इसका इसके साथ माइनस, तो ये 1 हुआ, 1 माइनस 4 बोलो तो 1 माइनस 4 लिखा गया। अब दूसरा मेंबर लेंगे 2, तो फर्स्ट मेंबर पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड मेंबर निगेटिव लेते हैं, निगेटिव के साथ। अब इसको लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा, तो इसका प्रोडक्ट लो 4 माइनस इनका प्रोडक्ट लीजिए माइनस 6, फिर प्लस ये लोगे तुरंत हो गया। अब इनमें देखिए इनका प्रोडक्ट लीजिए 8 माइनस इनका प्रोडक्ट लीजिए 3। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 18, 1 में से माइनस 4 गया तो माइनस 3 हो गया, 4 माइनस 6 तो माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस तो 4, 8 में से 3 गया 5 इंटू 3 15 तो ये 1 आ गया, कैलकुलेशन सही है तो ये 1 होगा, 19 माइनस 18 ठीक हो। अब क्या होता है ये निकालना सीख गए होगे, अब क्या होता है मेरे बच्चे कि सपोज करो a इक्वल टू है a1i प्लस a2j प्लस a3k और b इक्वल टू है अपना b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक, अब a क्रॉस b निकालना है हमको, तो कुछ नहीं करना है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, डंडा खींच दो, दो पहले ऊपर लिख लो ijk, लिख डाले पहले पंक्ति में ijk लिख डालो, और उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति जो होगा नेक्स्ट रो जो होगा उसमें वेक्टर a का तीनों कंपोनेंट्स लिख डालो, तो a1, a2, a3 तीनों कंपोनेंट्स लिख डाले,
उसके बाद मेरे बच्चे जो वेक्टर बी है उसके तीनों कंपोनेंट्स आप लिख डालिए, तो बी वन बी टू बी थ्री ऐसे हो गए। इस तरह तीनों कंपोनेंट्स को लिख डाले। अब इसको जब ऑपरेट कर देंगे तो हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा, जैसे बच्चों सपोज करो ए इक्वल्स टू है 2i + 4j + 3k और बी इक्वल्स टू है 2i + 5j और कुछ नहीं है तो 0k, कुछ नहीं रहेगा तो 0k लिखोगे। लिखो फाइंड ए क्रॉस बी। अब इनको दोनों मेथड से निकालते हैं, फाइंड ए क्रॉस बी। तो पहले डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में निकाला जाए, ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा डंडा, पहले आई जे के लिखो, तो आई जे के, फिर एक्स ए का तीनों कंपोनेंट्स लिखो 2, 4, 3 ठीक है, फिर इनका तीनों कंपोनेंट्स लिखो 2, 5, 0। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा आई इनके इन ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लेंगे तो 0 - 15। कुछ समझ में आया? ये जिस रो में लिए वो वाला छोड़ दिए, वो कॉलम भी छोड़ दिए जिसमें है ये आई, तो 4 × 0 तो 0 हो गया -15। इसी तरीके से जे ले लो तो अगला माइनस के साथ लोगे डंडा। अब जिस रो में है उसको छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो 2 × 0 तो 0 हो गया, और -6 3 × 2। उसके बाद जो है कि ये कैप होगा। अब ये लोगे तो इसको छोड़ोगे, इस कॉलम को छोड़ोगे, रो को छोड़ोगे, तो ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट होगा, तो 10 - 6 अरे कैसे भाई, हां 5 × 2 = 10, -6 थोड़ी है, -8 हुआ बच्चा, ये कोई मॉड वैल्यू नहीं है मल्टीप्लिक। इसका प्रोडक्ट बोलो 10, इसका प्रोडक्ट 8, तो 10 - 8। अब इसको करो तो कितना आएगा, -15i, कितना जे, -± + 6j, कितना के, 10 - 8 गया 2k, यह आ गया। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ गए होगे इसको ना बेटा, वीडियो रोक के समझ लो। इसी को आप दूसरे मेथड से करते हैं, ना घबराओ तो करें, करते हैं दूसरे मेथड से करते हैं, वो जो अपना पुराना वाला था, ऐसे आई कैप जे कैप के कैप और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहे हो तो थर्ड मिलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ऐसे करते हैं। तो हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, घबराएंगे नहीं, इक्वल टू इसको उठाए तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तीनों के साथ, तो आई क्रॉस आई बोलो 0, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बेटा बता, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 होता है? क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, साइन 0 = 0। अब इसको उठाते हैं तो आई क्रॉस जे होगा, तो आई क्रॉस जे लोगे तो के मिलेगा, और पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हो तो प्लस मिलेगा, तो +10k। इसमें तो 0 है तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब इसको उठाते हैं तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई जब जाओगे तो उल्टा घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज पॉजिटिव है, घूम रहे हो क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा, तो -8k। फिर इसका इसके साथ सबके साथ जे क्रॉस जे 0 हो गया, यहां ऑलरेडी 0 है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब बच गया ये बेचारा, इसको करेंगे तो के क्रॉस आई बताओ,
के क्रॉस आई करोगे तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जे हो जाएगा, इसका मतलब सिक्स जे, और फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यदि जाओगे इसका मतलब उल्टा घूम रहे हो, ऐसे के क्रॉस जे उल्टा घूम रहे हो, पॉजिटिव पे उल्टा, तो माइनस के साथ मिलेगा 15i, सॉरी अभी तो कर ही रहे हैं, इसको एक जगह कर लोगे तो कितना i हो जाएगा भाई, ये 6j क्या मिला था, प्लस की माइनस, 6j प्लस मिला था, तो माइनस 15i प्लस 6j, ऐसे करो तो अरे 2k, देखो डिटरमिनेंट्स यूज करके जब किए थे तो यही आया था, ठीक है, तो हम लोग डिटरमिनेंट्स को ही प्रेफर करेंगे, और बहुत छोटा रहेगा तो इसे भी कर सकते हैं, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो लिखो डिटरमिनेंट्स मेथड वही हम लोग प्रेफर करेंगे, फाइंड ए क्रॉस बी इन द फॉलोइंग केसेस, ए क्रॉस बी इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, एंड वेरीफाई इट यूजिंग अनदर मेथड, खुद ही वेरीफाई भी कर लोगे, जो मेथड पहले यूज करोगे उसका उल्टा मेथड बाद में यूज कर लोगे, एक घूमने वाला है एक डिटरमिनेंट्स वाला मेथड है, इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, तो हम लोग लेते हैं ए इक्वल्स टू 2i प्लस 4j प्लस 3k, बी इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2k, पहले डिटरमिनेंट्स वाला यूज करके ए क्रॉस बी निकालो और उसको दूसरे मेथड से वेरीफाई करो, उसको दूसरे मेथड से वेरीफाई करो, ठीक है, आई होप तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिए होंगे दोनों मेथड से, है ना, फिलहाल दोनों मेथड से करना है जिसे आंसर भी वेरीफाई हो जाए, तो यदि हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में करना चाहें तो ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरे बच्चे डिटरमिनेंट्स आई जे के, पहले वाले का रो का लिखेंगे कंपोनेंट्स 2, 4, 3, दूसरे वाले का लिखेंगे 1, 1, 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई, अब ओरेली कर लेंगे 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 इज 5, तो इसको आई तो मालूम नहीं है, 5i कर दो, चलो 8 और ये 1 था, ये 1 था, ये 1 है, तो 8 में से 3 गया 5 हो गया, अब ये जे उठाए माइनस के साथ, अब इसको किए 4, इन दोनों का ये तो आएगा नहीं, तो 4 माइनस 3 1, तो यही रह गया प्लस के, अब ये होगा 2 माइनस 2 हो गया -4, तो -2, तो यहां -2 कर दो, हो गया तुरंत, आई बात समझ में, उस वाले से करोगे तो मेहनत होगा, है ना, ऐसे वाले से करोगे तो देखो मेहनत होगा लेकिन आएगा वही, ऐसे वाले करो तो मेहनत होगा लेकिन आएगा वही, इसको उठाए आई क्रॉस आई बोलो 0, आई क्रॉस जे के तो 2k पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, आई क्रॉस के निगेटिव सेंस में जा रहे हैं -4j, आई क्रॉस के निगेटिव सेंस में जा रहे हैं, ठीक है, फिर इसको उठाए जे क्रॉस आई निगेटिव सेंस में जा रहे हैं -4k, ठीक, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं तो 8i, इसको उठाए इसके साथ के क्रॉस आई,
कि एक क्रॉस आए पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं तो 3J, के क्रॉस आई जो है पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, के क्रॉस जे निगेटिव सेंस में जा रहे हैं तो माइनस, पहले था के क्रॉस आई, के क्रॉस जे निगेटिव सेंस तो माइनस 3i, सारे अब आई वाले को एक जगह जोड़ो तो 8i माइनस 3i का सम 5i हो जाएगा। चलो जे वाले को एक जगह जोड़ो माइनस 4j प्लस 3j तो माइनस j हो जाएगा, के वाले को जोड़ो प्लस 2k माइनस 4k तो माइनस 2k, समझे दोनों मेथड से। यदि कोई कंपोनेंट्स नहीं रहेगा तो वो जीरो होगा, ठीक है, यदि कोई कंपोनेंट्स नहीं रहेगा तो वो जीरो होगा। बेटा बेटा लो, इसे इस तरह से निकालना सीखो, फिर ए क्रॉस भी निकालो, ए इक्वल्स टू 4i प्लस 3k, अब बी इक्वल्स टू 2j प्लस 2k। अब इसको करने से पहले इसको सिमेट्रिकली लिख लो, तो ए इक्वल्स टू लिख लो 4i प्लस 0j अपने मन से प्लस 3k तो आसानी होगी। अब बी इक्वल्स लिख लो 0i प्लस 2j प्लस 2k तो आसानी होगी। चलो दोनों मेथड से करो जल्दी से, समय मिलता है एक मिनट, दोनों मेथड से एक क्रॉस भी कर डालो, तो दोनों मेथड से एक क्रॉस भी कर डालो, वीडियो रोक दीजिए और खुद कर डालिए, तब करिएगा, वीडियो रोक के खुद कर डालिए। और इस तरह से बच्चों ने कर डाला। अब इसको उठाए, ठीक है, तो इसका सॉरी पहले डिटरमिनेंट्स फॉर्म में कर लेते हैं, तो लिख लेंगे आई जे के, गुड, सबका कंपोनेंट्स लिखो, 4 0 3, नीचे वाले का लिखो 0 2 2, एक्सपैंड करो, करते हैं, आई उठाए तो 2 माइनस 0, 2 × 0 0 माइनस 6 हो गया तो माइनस 6i, जे तो माइनस रहेगा ही, अब जे हटाए तो ये 8 माइनस 0, ठीक है, जे में एक माइनस रहेगा तो माइनस 8j हो गया, ये 8 आई, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिए, ठीक है, जिस रो में होगा जिस कॉलम होगा उसको छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे तो के, अब इनको करेंगे तो 4 × 2 8, 4 × 2 बोलो 8, माइनस 0 तो जगह 8k, आराम से आप लोग कर लिए होंगे। अच्छा उस वाले मेथड से करो घुमा घुमा के, तो i को उठाए तो इसमें 0 ही है, i क्रॉस j तो 8k, फिर i क्रॉस k तो i क्रॉस k जो होगा माइनस के साथ 8j, ये तो 0 ही है तो कोई बात ही नहीं, इसको उठाए तो इसका k क्रॉस j तो k क्रॉस j होगा माइनस i, माइनस 6i, और k क्रॉस k 0 होगा तो आंसर हो जाएगा माइनस 6i माइनस 8j प्लस 8k, मिल गया कि नहीं बताओ दोनों मेथड से। तो इस तरह से आप करोगे, अब लिखो लिखो इफ ए इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 2k, बी इक्वल्स टू 2i प्लस 2j, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, एज वेल एज वेक्टर बी, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो करो क्या,
वीडियो रोक दो और खुद से प्रयास करो। बिना किए खुद किए प्रयास किए देखना मत। अब बच्चों ने प्रयास कर लिया इसको, तो एक क्रॉस भी यदि करोगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा तो जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अब इसको ये वेक्टर हो जाएगा सी, इसको यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर सी हो गया है ना। तो सी एक ऐसा वेक्टर हुआ जो दोनों पे परपेंडिकुलर हुआ। अब इसको सी कैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर करने के लिए इसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय बोलो मॉड ए मॉड बी, इसको याद रखेंगे ठीक। तो सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, ए पे भी और बी पे भी। अच्छा, इसको कोई बी क्रॉस ए यदि ले लेगा तो उसका भी सही है, हमें केवल परपेंडिकुलर कह रहा है ना। तो यदि बी क्रॉस ए कोई ले लोगे और उसी के मॉड से डिवाइड कर दोगे तो या तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी होगा, या बी क्रॉस ए भी लोगे तो वो भी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, फिर उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे तो वो भी एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। दो बातें होंगी, ये चीजें या तो ऊपर होगा सी कैप या तो नीचे होगा, इस तरह से एंटी पैरेलल हो सकता है। तो ए क्रॉस बी लो चाहे बी क्रॉस लो, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, फिर उसी के मॉड से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। वो ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसलिए हम लोगों का काम होगा कि पहले हम लोग इसका ए क्रॉस बी कर लें, ए क्रॉस बी कर लें सावधानी पूर्वक। तो वीडियो रोके खुद कर लिए होगे, तब देख रहे हो ना, गुड। अब क्या करो, फिर यदि जो बच्चे नहीं कर पाए हो फिर से वीडियो रोक दो और ए क्रॉस बी करो, फिर इसके मॉड ए मॉड बी से डिवाइड करो, खुद करो। ये गलत लिख दिए हैं रे, ये गलत लिख दिए हैं, कहां ध्यान चला जाता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यहां लिखो, ध्यान दो। बच्चे सामने है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा उसी के मॉड से डिवाइड करोगे, मॉड ए मॉड बी नहीं रे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर लोगे और फिर ए क्रॉस बी के मॉड से डिवाइड करोगे, जो ए क्रॉस बी आएगा तो उसके मॉड से डिवाइड करोगे, ठीक है। मॉड ए मॉड बी नहीं होगा यहां, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, उसको करेक्ट कर लो। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में करें, हाँ करिए सर। तो आई जे के यहां लिख लीजिए, पहला रो 3 4 2, दूसरा पंक्ति लिखिए 2 2 0, एक्सपैंड करिए, इसको उठाइए 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, अब -4 तो -4i, फिर ये नेगेटिव साथ उठाइए 6 और -8, तो 6 - 8 इज -2, आप पहले से माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 2j, इसको उठाइए प्लस के साथ, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव यहां पॉजिटिव हुआ है 6 - 8, तो माइनस, ये वाला तो गड़बड़ किए हो, दूसरा वाला फिर से करते हैं, रुको फिर से करते हैं, ये भी गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, फिर से करते हैं। इसको उठाए तो ये दोनों लेंगे तो 4i 4 × 0 बोलो 0 - 4, चलो थोड़ा मेहनत ही कर लेते हैं। फिर इसको उठाएंगे तो -j, ये छोड़ो ये और ये लो तो 0 - 4, ठीक। अब k को उठा लो तो k ब्रैकेट में बोलो, ये छोड़ दोगे ये वाला 6 और -8, तो फाइनली कितना आ गया बताओ, -4i - 4j और बोलो -2k, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। उसको दूसरे वाले मेथड से वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे मन यदि आपका करता है तो मन को रोकिए मत, करें कर लीजिए सर। i j k घुमा के पॉजिटिव, घुमा के पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज सेंस में,
तो इसको उठाए आई क्रॉस आई जीरो, आई क्रॉस जे के हो गया 6K पॉजिटिव, ठीक। इसको उठाओ जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 8K जे क्रॉस जे जीरो होगा। अब इसको उठाइए के क्रॉस आई प्लस 4i, के क्रॉस आई तो 4j ना, के क्रॉस आई 4j, फिर के क्रॉस जे माइनस 4i, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताओ। i को लिखेंगे तो माइनस 4i, j को लिखेंगे तो 4j और माइनस 2k, तो वही आ गया। इसका मतलब हमारा ए क्रॉस बी कितना आ गया बच्चों, तो ए क्रॉस बी आ गया माइनस 4i प्लस 4j माइनस 2k। अब इसी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दो तो आपको एक सी कैप मिलेगा। इसका मॉड होगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही हमारा सी कैप हो गया बेटा, यूनिट वेक्टर हो गया जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो माइनस 4i प्लस 4j माइनस 2k डिवाइडेड बाय, ये बताओ 16 चाचे को 16 प्लस 16 32 प्लस 4 बताओ कितना हुआ, 36 का अंडर रूट लो 6, तो सी कैप हो जाएगा 2 कॉमन लेके काट दो तो माइनस 2/3i प्लस 2/3j और माइनस 2 कॉमन लेके काट ही दिए हो, ठीक है 1/3k कैप। अब इसका कोई मॉड लेगा तो जरूर कितना आ जाएगा बोलो 1। तो सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बोलो बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। माइनस सी कैप लोगे तो वो भी उसका आंसर होगा माइनस लगा के, ठीक है। अच्छा कोई वैल्यूज ना दे आपको, याद यदि आपसे कोई पूछे कि ए डॉट ए क्रॉस बी बताइए, अब कोई आपको वैल्यूज ना दे तो बिना वैल्यू दिए सोचो कितने लोग इसको निकाल सकते हो। वो कोई वैल्यू ए और बी का नहीं दिया है और ये चीज पूछ रहा है ए डॉट ए क्रॉस बी, तो क्या ये निकल पाएगा सोचिए ये निकल पाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी। वीडियो रोक के सोचिए, सोच लिए ना, एकदम सही सोचे हैं तो देखो सोचे। अब क्या होगा कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ वेक्टर सी, और सी और ए के बीच का एंगल बताओ। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर सी होता है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, तो सी और ए के बीच का एंगल यदि 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट में तो कॉस थीटा आता है, तो कॉस 90 बोलो 0 हो गया। इसका मतलब ए डॉट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा। इसी तरह बी डॉट ए क्रॉस बी लोगे तो वो भी 0 हो जाएगा।
क्योंकि जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, अब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। ऐसे मन में एक बात आई तो पूछ लिए। अब लिखो इफ ए इक्वल्स टू टू जे, बी इक्वल्स टू फोर आई प्लस थ्री के, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी, जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। वीडियो रोके इसको कर डालो, तब सॉल्यूशन देखना। तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो आप वीडियो रोके कर डाले, चलो डिटरमिनेंट फॉर्म में करते हैं, एकदम आसान होगा। इक्वल्स हो जाएगा आई जे के, तो आई वाले का इसमें पहले वाले में कंपोनेंट है जीरो टू जीरो, जेड है ही नहीं, आई है ही नहीं, इसमें फोर, जे है ही नहीं थ्री। अब एक्सपैंड कर देते हैं, इसको उठाए आई कैप, तो सिक्स माइनस जीरो, फिर ये जे उठाएंगे माइनस के साथ, ठीक, और तब ये और ये लेंगे तो जीरो माइनस जीरो, तो ये जीरो ही हो गया, ठीक, ये जीरो ही हो गया। अब इसको उठाएंगे तो ये दोनों लेंगे, तो प्लस के ये लो लेंगे तो जीरो माइनस, तो ये माइनस एट आएगा, तो फाइनली क्या आ गया भाई, सिक्स आए और माइनस एट जे। तो एक ये ऐसा वेक्टर आ गया जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा ए और बी। अब इसको टोपी बना दे, पहना देना है, तो टोपी बनाने के लिए इसी के मॉड से डिवाइड कर दोगे, तो सिक्स आई माइनस एट जे में इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसी की टोपी से डिवाइड करोगे, तो इसका मॉड लो तो टेन आएगा, करके देख लो इसका मॉड, सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर, करके देख लो, ये हंड्रेड आएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो टेन आ जाएगा। अच्छा चलो वेरीफाई कर लेते हैं वो वाले नियम से, इस वाले से, तो देखो तो इस वाले से j क्रॉस i माइनस एट के, इसमें के दिखाई नहीं, के ये k वाला था यार, गलत उतारे हो, ये k वाला था, ठीक है, ये k वाला था, तो 6i माइनस एट के अपॉन टेन था, j वाला तो जीरो हो चुका है, तो माइनस एट के, इसको लो J क्रॉस K बताओ, 6i, बस हो गया दोनों के साथ, तो आ गया 6i माइनस 8k, इसका मॉड से डिवाइड कर दिया तो हो गया। अब लिखो प्रूव दैट, प्रूव करो कि मॉड ऑफ A क्रॉस B गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, गिव्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। प्रूव करिए कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया देगा, ठीक है, एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हैं तो मॉड नहीं लीजिएगा, तो एरिया वेक्टर देगा, एरिया वेक्टर देगा, ठीक है, और मॉड ले लेंगे तो उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, तो ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया देगा जिसका एडजेसेंट साइड्स क्या है, ए और बी है। इसको प्रूव करना है, वीडियो रोके खुद कर डालिए, वीडियो रोके खुद कर डालिए। मेरे बच्चे करने के बाद सॉल्यूशन देखना जी, केवल सॉल्यूशन देखना चाहते हो,
तो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसे ए है ऐसे बी है, ओ ए और ओ बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ए के हेड पे पैरेलली बी का टेल ले आए या बी के हेड पे पैरेलली ए का टेल ले आए, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब यदि ये समांतर चतुर्भुज हो गए, पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका एरिया होता है पैरेलल साइड में से कोई एक साइड और उनके बीच और उनका हाइट, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यदि ए ले लिए तो ए और ए के बीच का ये हाइट लेंगे एच, ये आप लोअर क्लास में पढ़ते हो। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो कि साइन थीटा तुम क्या लिख सकते हो, एच अपॉन दिस लंबाई, दिस लेंथ मॉड बी। सो द एच यू कैन राइट एज मॉड बी साइन थीटा। इफ यू पुट हेयर देन इट बिकम्स मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी उस पैरेललोग्राम का एरिया देगा जिसका ये एडजेसेंट साइड होगा। इसका हाफ कर दोगे तो इस पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट देगा और दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है, तो इसका हाफ क्या देगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखो गिव्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका आधा कर दोगे तो गिव्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, गिव्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। हाफ कर दोगे तो उस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, एज इट्स एडजेसेंट साइड्स, जो इसका एडजेसेंट साइड्स होगा। एक चीज देखो, जैसे ये अपना पैरेललोग्राम था, इनके बीच का एंगल थीटा था, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो यहां पे ए के हेड पे बी का टेल ले आए या बी के हेड पे ए का टेल ले लिए, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड करेंगे तो ए प्लस बी मिलेगा। तो इसका डायगोनल लिया जाए तो ये ओ ए है ओ बी है और ओ सी है। ठीक है, तो एक डायगोनल होगा ओ सी और एक डायगोनल ले लो ए बी। तो ओ सी वेक्टर क्या होगा बताओ, डायगोनल ओ सी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओ से सी जाने के लिए ओ से ए जाओगे, ए से बी जाओगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। किसी को वेक्टर ए बी निकालना हो, वेक्टर ए बी निकालना हो, दूसरा डायगोनल है ये, वेक्टर ए बी निकालना हो तो जरा देखिए, ओ से बी जाने का पहले ओ से ए जाइए और फिर ए से बी जाइए, मतलब ओ से ए जाना प्लस ओ से ए जाना प्लस ए से बी जाना, मतलब बोलो ओ से बी जाना। ठीक है, ओ से ए जाना प्लस ए से बी जाना मतलब ओ से बी जाना। इसका मतलब ए बी वेक्टर जो हमारा है, दूसरा डायगोनल जो है तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। सो ओ बी इज वेक्टर बी, ओ इज वेक्टर ए, सो दिस इज बी माइनस ए, सॉरी बेटा बी माइनस ए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, दोनों डायगोनल डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट लें, ओ सी क्रॉस ए बी बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर, घबराइएगा मत,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मैंने बताया था कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, सो ए क्रॉस ए ए जीरो, बी क्रॉस बी ए जीरो, एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एक माइनस लगा दोगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो इसको एक्सपैंड करें हम लोग, इसको इसके साथ करें तो ए क्रॉस बी हो गया, इसका इसके साथ करें तो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा। फिर इसको उठाएं, दोनों साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, एक उठाए इसके साथ ए क्रॉस बी लिखे, फिर इसको उठाए इसके साथ तो ए क्रॉस ए जीरो हो गया, फिर बी को उठाए बी क्रॉस बी जीरो हो गया, माइनस बी क्रॉस ए हो गया, माइनस बी क्रॉस ए। माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हो भाई? अभी कहे थे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए इज ए क्रॉस बी, तो इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, प्लस ए क्रॉस बी लिख सकते हो, बिकॉज ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सो दिस इज व्हाट, टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी दिस इज टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब यह हुआ कि ए क्रॉस बी जो हमारा होगा वो हाफ ऑफ डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा, डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसलिए इसका मॉड ले लोगे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ओसी क्रॉस ए बी। यदि डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसका मॉड ले लो, उसमें टू से डिवाइड कर दो तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मॉड लोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा, या डायगोनल्स का ले लो क्रॉस प्रोडक्ट और उसका हाफ कर दो, दोनों चलेगा। इसका मतलब हम लोग सीखे क्या, इसको नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे और आधे घंटे की पढ़ाई बाकी है लगभग वेक्टर में। तो हम लोग सीखे क्या कि ऐसे कोई ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए के हेड पे बी का टेल ले आओ, बी के हेड पे ए का टेल ले आओ, तो एक डायगोनल ऐसे होगा लेट अस से दैट वेक्टर इज सी, एक डायगोनल ऐसे होगा लेट अस दैट वेक्टर इज डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी क्रॉस डी, मॉड ऑफ सी क्रॉस डी। तो लोग अपने से है ना खोज करके गूगल वगैरह से सर्च करके पैरेललो पाइप नाम का चीज होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसको पढ़ के आओ, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप। और अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन कराएंगे।